बात ये है कि अब्बा ने अम्मा से प्रॉमिस करा था। क्या करा था? प्रॉमिस करा था कि भाई मैं आपको उम्रे के ऊपर लेके जाऊंगा। अब हुआ क्या कि वाले साहब ने पता कराया किराया जद्दे का उम्रे के लिए, तो बस वो किराए सुनने के बाद उम्रा तो ना करा सके, दुनिया से कूच कर गए। उतने पैसे नहीं थे उनके पास। अगर पैसे पड़े तो भाई थे, बड़े कंजूस। लेकिन एक बात बताओ, ये तुम इंटरव्यू मेरा कर रहे हो या मेरा अब्बा का कर रहे हो? किसका इंटरव्यू कर रहे हो तुम? नैरोबी में एक को मैं अच्छा लग गया, एक नैरोबियन को मैं अच्छा लग गया। कहने लगी, अगर मैं तुमसे शादी करूं तो वलीमा कहाँ करोगे? मैंने कहा, नैरोबी की सफारी में। ये क्यों कहा आपने? अबे माफ कीजिएगा, बस समझ लो रीच को लहंगा पहना दो, इस टाइप की थी वो। इसीलिए अल्लाह का फजल है कि मैं उनकी रीच में नहीं आ सका। ये जो बड़े बड़े सेठ हैं, जो ये अपने घरों पे शादियों के वक्त अभी भी कव्वाली करते हैं, अब वो तहजीब और सकाफत खत्म हो चुकी है। पैसे वालों में शौक करें ना। नहीं शुक्रिया जी, ये आप जो पीक करते हैं वो सब गीला हो गया। नहीं नहीं उस बहुत संभाल के, बड़ी प्रैक्टिस है। छालिया लीजिए। ये गीली है। नहीं, ये सील गई हैं, बंद पड़ी रहती हैं, सील गई हैं। पैसे नहीं है, 6 महीने पुरानी है, सील गई। कहाँ है? खाइए ना, है मेरे पास। है खाइए। जब अपने खानदान वालों की फूल पट्टियां पढ़ के फायदा क्या? आपने शादी की? है, आपने शादी की? हमें किसी से इश्क ही नहीं हुआ और ना हम शादी करेंगे। क्यों? भाई खानदानी वकार को हम मजरू नहीं करना चाहते, हम खानदानी वकार को मजरू नहीं करना चाहते, इसीलिए दूसरों की करवा रहे हैं। कैसे लोग हैं आप? अरे बहुत अच्छे लोग हैं अनवर मकसूद साहब, बहुत अच्छे। ना बीवी की फरमाइश है, ना ससुरालियों की यलगार, ना जायदाद का बंटवारा, चैन से जिंदगी गुजर रही। किसकी? दुश्मन की अफवाज बॉर्डर पे आ गई। कौन सा दुश्मन? भारत। यार तुम सनकी तो नहीं हो, ये भारत कहां से दुश्मन हो गया हमारा? अक्सर हो जाता है। नहीं, अरे पाकिस्तान में देखो, इंडिया की फिल्में लगी हुई हैं। सलाम पेश करता हूं इस कौम को कि भरा हुआ है, टिकट की मारा मारी मची हुई है, और आप कह रहे हैं कि हालात खराब हैं। आप देखिए, उनकी फिल्म दोस्ताना लग गई है यहाँ पर, तो इसका मतलब है दोस्ताना है। फिर हुकूमत कहती है बागम बाग, तुम देख लेना। हाँ, वो भी लगी होंगी। वो भी लगी हुई है। और अब तो खतरा इस बात का है कि युवराज ना आ जाए। बातें तो आप बता रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं पूछा था। मैंने तो कुछ नहीं पूछा था। अब आओ जरा मेरे घर की तरफ, सुनो, अब मेरे घर की तरफ आओ। देखो क्या सीन हुआ मेरे घर में। मेरे घर में ये सीन चल रहा था कि मेरी बीवी को जब ये मालूम हुआ कि मेरी अम्मा भी साथ जा रही हैं, तो एक पासा फेंका उन्होंने। कहने लगी, मेरे अब्बा और मेरे अम्मी भी जाएंगे। मैंने कहा, चंदाम क्लिफ्टन नहीं जा रहे, उम्रे भी जा रहे हैं। कहने लगी, नहीं मैंने तो उनसे वादा करा है, लेके जाना पड़ेगा। अब सोचो जद्दा के 5 फुल टिकट, जरा कैलकुलेट करो कितने बनते हैं। बहुत बनते। अबे करना ऐसी खामखाई कह देते हो, क्या कर, बहुत बनते, कैलकुलेट करो पता लगेगा। 5 फुल टिकट। जब मैंने कह दिया कि बहुत पैसे होते हैं तो उसका मतलब है बहुत पैसे होते हैं। अबे टोन नीचे रख, कौमी एयरलाइन के स्टाफ की गुफ्तगू ना कर, उसकी जबान में बात ना कर। बहुत पैसे होते हैं। हाँ यही टोन रखना पूरे इंटरव्यू में, समझे? जद्दा में तो मजबूर थे हम, इसलिए शुरू से खड़े थे। यहां मजबूरी नहीं है, कुट्टस लग जाएगी तुम्हारी, कुट्टस। तो मैं ये कह रहा था कि माफ कीजिएगा भाई, पैसे वाले जो है ना आजकल के बहुत बुरे हो गए हैं। जी, एक जमाना था पैसे वाले जो थे दिल खोल के पैसे दिया करते थे, कदरों मंजिलत हुआ करती थी, अब वो सब खत्म हुआ। अब एक बड़े आदमी का किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक बहुत पैसे वाले सेठ हैं, उनके बेटे के वलीमे में फंक्शन था, कव्वाली रखी उन्होंने, और कहने लगे सिर्फ अमीर खुसरो का कलाम गाना है आपको। हमने कहा अच्छा ठीक है। अब हमने क्या किया कि साहब 14 कोटियाँ सिलवाई, लाल लाल रंग के कुर्ते, ब्लू रंग के कुल्ले और कुस्से। अब हम वहाँ पहुँच गए कव्वाली के लिए, तैयार। हमने सोचा था कि बहुत पैसा मिलेगा। अब क्या हुआ कि वलीमे से 15 मिनट पहले सेठ साहब मुझे अलग ले गए और कहने लगे कि भाई
जिस वैन के अंदर वेटर जा रहे थे वो वैन अगवा कर ली गई है, तो आप लोग सर्विस कर दें। दिल में तो क्या क्या बाखुदा कहने लगे कि सर्विस कर दें यहाँ पर। मैंने दिल में तो खूब सुनाई, गार्ड्स ना होते उनके साथ तो हम खुल के भी सुनाते, खाए पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपने 14 साथियों को अलग ले गया और कहने लगा कि भाई क्या करें। 14 का 14 ने कहा पकड़ लूँ, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उस हिसाब से कहा अलग पैसे मिलेंगे उसके, कहने लगे हाँ भाई मिलेंगे। अब क्या हुआ, जैसी सर्विस शुरू हुई मुख्तलिफ ताने सुनना शुरू कर दिए हमने। एक कह रहा भाई ये 14 एक शक्ल के कौन ढूंढ के लाया है, हमारे छोटे वाले के तो चीख निकल गए। मैंने कहा खामोशी से सर्विस करते रहो। कहने लगा भाई बिरयानी इस तरह रखते हैं। एक कहने लगा कि ये सलाद इस तरह रखते हैं। खैर हम खामोशी से वक्त गुजर गया, वक्त गुजरना था वो बात तो पूरी कर लें दो। आप इकलौते हैं? आप इकलौते हैं? ये सवाल है या तंस? इसमें तंस कहाँ से आ गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप इकलौते हैं, इसमें तंस कहाँ से आ गया? भाई जाहिर है मेरे परदादा इकलौते, मेरे दादा इकलौते, अब्बा इकलौते, मैं इकलौता, मेरे बाद खानदान खत्म। शादी करें, शादी कर लें। क्यों? इस तरह की फैमिली को अचानक ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपका मशवरा इतना बुरा है कि मैं इस पे आपका शुक्रिया भी अदा नहीं करना। चलिए आपकी मर्जी। 2006 में आपने कितनी शादियां? 2006 में हमने कुल करवाई 80 शादियां। 60 जो थी 65 से ऊपर के थे, किसी की दूसरी किसी की तीसरी, 5 उनमें ऐसे थे जिनकी चौथी थी। और ये चौथी वाले अजीब गरीब फरमाइशें करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, अभी परसों उनके वहाँ लड़का हुआ है, खुदा खुदा करके। उन्होंने उसका नाम रखा है तंदोलकर, मिर्जा तंदोलकर। आप बताओ कैसे हालात ख़राब हैं, इतनी दोस्ती है। ये फिल्मों वगैरह की बात क्या कर रहे हैं? भाई देखिए पाकिस्तान में हिंदुस्तान की फिल्में जो हैं हाउसफुल जा रही हैं। बात दरअसल ये है कि भारत और पाकिस्तान की रब ने बना दी है जोड़ी, और जब जोड़ी बना दी है भाई तो जोड़ी जहाँ पर भी होगी वहाँ थोड़ा बहुत झगड़ा तो होगा। आप सुसर के बारे में? हाँ, मैं सुसर के बारे में मैं बताऊँ या तुम खुद बताओगे? मुझे क्या पता। आप टोन नीचे रख। टोन नीचे। मुझे आपके सुसर के बारे में क्या पता? हाँ तुम्हें नहीं पता होगा, देखो मैं बता रहा हूँ। अब सूरत हाल ये चल रही है, सूरत हाल ये चल रही है कि मेरे ससुर जो हैं बेचारे चल नहीं सकते। पूछो क्यों? क्यों? हाँ, उनको बचपन की हर बात याद थी, उनको ये याद नहीं रहा कि पोलियो के टीके भी लगते हैं, टीके। अब वो चल नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब अपनी ईमान से बताओ, इस टाइप के ससुर को गोद में उठा के उमरे पे ले जाना था। एयरलाइन वाले व्हीलचेयर देते हैं। अबे चल दे चल, एयरलाइन वाले व्हीलचेयर देते हैं सिर्फ पैसे वाले सेहतमंद मुसाफिरों को। मुना खुलवाना मेरा। अच्छा अब सुसर की सुबह, अब सुसर की क्या प्रॉब्लम थी कि उनको ये बहुत आता था, समझे? ये क्या? ये नंबर वन कहते हैं स्कूल में, मैं सर। अच्छा वो बहुत आता था उनको। और जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको 2 टाइम आया लाउंज में, 2 दफा। वो आपकी गोद में थे? मेरे गोद में। फर्स्ट टाइम ये आया क्यों पूछो? खौफ से, क्योंकि पहली दफा ट्रेवल कर रहे थे जहाज में। सेकंड टाइम रेगुलर बेसिस पे आया, जो उनके होता ज्यादा बार बार। अब क्या हुआ, मैंने उनको गोदी में भर के, भैया अल्लाह माफ करे, लेके मैं जहाज के अंदर घुस गया। अब देखो इनकी डिसकर्टेसी देखो, कौमी एयरलाइन वालों की, कि मैंने ससुर को गोद में उठाया हुआ है, सामने खड़ी है दो एयर होस्टिले, खड़ी भी देख रही है मुसलसल, टुकुर 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 देख रही है। इतनी उनमें शर्म और तहजीब नहीं थी कि मेरे ससुर को उठा के गोद में रख ली थी। एयर होस्टेस आपके ससुर को गोद में कैसे उठाती? अबे मेरा मुंह ना खुलवाना। जितना अच्छा स्टाफ, जितने अच्छे लोग हैं हमारी एयरलाइन में है, हाँ? सारी दुनिया में किसी भी एयरलाइन में इतना अच्छा स्टाफ नहीं हो सकता। पक्की बात है जी। मैं तेरे से अब करने वाला हूँ बदतमीजी, तू ब्रेक ले। चालू ब्रेक ले, ब्रेक।